ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूएस स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो आज हम बात करेंगे यूएस स्टडी वीजा, अगर हासिल करना चाहते हो, अच्छा सक्सेस रेट चाहते हो, वीजा चाहते हो, तो कैसा प्रोफाइल होना चाहिए, मतलब यूएस कैसे प्रोफाइल्स को रिकमेंड करता है वीजा देने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10+2 स्टूडेंट्स की। जो 10+2 स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे पहला कंसर्न, कईयों का गैप होता है, तो गैप यहां पर मैं जो रिकमेंड करता हूं, 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 साल से ज्यादा लेके चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत रिस्क कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। एजुकेशन की बात करें, एकेडमिक स्कोर की बात करें, तो मिनिमम विच इज रिकमेंडेड कि 60% हों आपके, ज्यादा अच्छा प्रोफाइल दिखता है। वीजा ऑफिसर को इंटरव्यू में आओगे तो अपने आप को फर्स्ट डिवीजन में कह सकोगे। सो इन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। किसी किसी कॉलेज में इससे कम परसेंटेज भी एक्सेप्ट हो सकती है, बट 60 शुड बी मेंटेन्ड। अब दूसरी बात आ जाती है आल्स और पीटी को लेके। तो अगर तो आप रीसेंट पास आउट हो तो मोस्टली इंस्टीट्यूट्स आपको विदाउट आल्स एडमिशन दे देते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट रिकमेंडेड अगर आपने कुछ स्कोर अचीव किया हो तो आप और भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में या पब्लिक कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, जो एक और क्रेडिबिलिटी डेवलप कर देता है वीजा इशू करने के लिए। सेकेंडली आपका ये पार्ट भी स्ट्रांग हो जाता है कि आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, पंजाब और हरियाणा स्टूडेंट खास करके, बाकी स्टूडेंट्स में तो काफी हद तक इंग्लिश की रहती है फीलिंग, बट यहाँ पर थोड़ी कम होती है। तो अगर आपका स्पोकन और लिसनिंग स्ट्रांग है तो आप इंटरव्यू में मार नहीं खाएंगे। सो इंग्लिश आना जरूरी है, आईलेट्स या पीटी होना जरूरी नहीं है। इसी तरह से अगर हम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें तो ग्रेजुएट का जो गैप है वो 5-7 साल, इससे कई केसेस में इससे ज्यादा भी चल सकता है। बट अगेन अगर ज्यादा है तो उसका गैप जस्टिफिकेशन भी अच्छा होना चाहिए और रिकमेंडेड कि आप जिस चीज में आपने एजुकेशन करी थी उसी में ही आपका एक्सपीरियंस हो और फिर उसी के रिलेटेड ही आप आगे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा सके। आल्स यहां पर भी मैंडेटरी नहीं है, सो ऐसा हार्डकोर फंडा नहीं है आल्स पीटी का, क्योंकि यूएस में जो आल्स चाहिए भी होता है ना वो ज्यादा नहीं चाहिए होता, सिर्फ 5.5 बैंड ही ओवरऑल चाहिए होते हैं, चाहे आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो चाहे प्लस टू के बाद जा रहे हो, और हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं चाहिए। बट हों तो आप ज्यादा अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे और डेफिनेटली अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी का बेनिफिट तो होता है कि वीजा सक्सेस रेट आपका काफी हद तक बढ़ जाता है। अब फील्ड्स की बात करें तो यहां पर स्टेम स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन ज्यादा होती है। स्टेम स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक या मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। सीधी भाषा में बात करें तो मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स स्टूडेंट, बट आर्ट्स वाले इसमें निग्लेक्टेड नहीं है। अब आर्ट्स वाले कहाँ कर सकते हैं? आर्ट्स वाले कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको कोई मुश्किल नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स मैथ वाले स्टूडेंट हो तो भी कोई मुश्किल नहीं आएगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट हो, देन आपके लिए बेटर है कि आप कोर्सेज ऐसे लें जिनका प्रीवियस बैकग्राउंड ना हो, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कल्नरी आर्ट्स, सोशल वर्कर, फिर ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर आपको अपने कोर्स जो हैं वो यूएस में सेलेक्ट करने चाहिए अगर आप चाहते हो अच्छा वीजा सक्सेस रेट। यूएस इस समय बहुत शानदार वीजा सक्सेस रेट दे रहा है, तकरीबन बात करें तो इस साल का जो सक्सेस रेट चल रहा है वो तकरीबन 60% से ऊपर है, और पहले नॉर्थ इंडिया के लिए मैं बात करूं तो 20% के आसपास ये सक्सेस रेट रहता था, बट आज की डेट में ये 60% सक्सेस रेट है, जो कि किसी भी कंट्री में और खासकर यूएस जैसी कंट्री में, जहां पर जाने के बाद आप कहीं भी और आगे जाने की, सेटल होने की नहीं सोचते हो, तो उसके अंदर अगर इतना सक्सेस रेट वो भी खासकर नॉर्थ इंडिया स्टूडेंट को मिल रहा है, सो दिस इज अ गोल्डन टाइम एंड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको कैश करनी चाहिए। तुरंत ब्रॉडवे टीम को मिलें, दिए गए नंबर 9023890238 पे कॉल कर सकते हैं। ऑफिसेज आप सभी जानते हैं हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में है, सो आप गुजरात में, आप हरियाणा में, दिल्ली से, पंजाब में, जम्मू में, सभी जगह से आप हमारी टीम से मिलके निश्चिंत और बेफिक्र होकर यूएस की फाइल लगा सकते हैं और आगे जनवरी इनटेक को पकड़ सकते हैं। थैंक यू।
सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम ब्रॉडवे से कांटेक्ट कैसे करें। तो दोस्तों हमारे ऑफिसेस पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। हम जम्मू में, गुजरात में, न्यू दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, कई शहरों में हमारे ऑफिसेस हैं। फिर भी आप दूर से हो तो आप ब्रॉडवे के साथ ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो हमारी वेबसाइट broadwaystudy.com के जरिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट ब्रॉडवे के साथ होता ही है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके को लेके कि हम पैसे लेते हैं वीजा लगने के बाद। सो निश्चिंत होकर अप्लाई करो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अप्लाई चाहे आप कहीं से भी करो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस चैनल का मकसद है आपको रोज लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ जोड़ के रखना। सो यूके प्रेजेंटली प्रोसेसिंग टाइम में किस तरह की चेंजेस हैं, कितना समय जो है वो फाइल्स को लग रहा है एम्बेसी के अंदर, और एम्बेसी किस तरह की प्रोसेसिंग कर रही है, आज उसी पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले चाहूंगा जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और यूके इस समय जो वीजा सक्सेस रेट है दैट इज 100%, उसमें किसी तरह की कोई चुनौती कोई मुश्किल नहीं है। एम्बेसी का जो प्रोसेस टाइम है वो 95% केसेस में नॉर्मल है, मतलब प्रायोरिटी में फाइल लगा रहे हो तो 6 से 7 दिन के अंदर एज नॉर्मल रिजल्ट्स जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं। सुपर प्रायोरिटी में वही 1 से 2 दिन के अंदर रिजल्ट रिसीव हो रहे हैं। और कुछ केसेस जो 5% केसेस मैंने बताए वो ऐसे केसेस है रैंडम बेसिस पे, उनका कोई फॉर्मेट नहीं है, वो किसी के भी हो सकते हैं, वो फ्रेश स्टूडेंट भी हो सकता है, वो गैप वाला भी हो सकता है, विद आईलेट्स भी हो सकता है, विदाउट आईलेट्स भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी वाला हो सकता है, मास्टर्स वाला हो सकता है, बैचलर हो सकता है, स्पाउस वाला हो सकता है, कोई भी रैंडमली वो कुछ केसेस को एम्बेसी ज़रूर पिक करती है। उनके ऊपर फिर आपको वही ईमेल आता है कि आपका केस नॉर्मल टाइम में प्रोसेस नहीं हो सकता, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। और ऐसे केसेस के अंदर फिर 15 से 20 दिन रिजल्ट आने में लग रहे हैं। और ऐसे केसेस के अंदर 2-3 चीज़ें होने की आशंका होती है। एक ये हो सकता है कि आपका इंटरव्यू आ जाए, दूसरा मोस्ट लाइकली आपकी वेरिफिकेशंस होती हैं, और वेरिफिकेशंस में भी मेनली आपके फंड्स या फाइनेंस की वेरिफिकेशन होती है। तो इसके अंदर जो समय है वो जरूर लग रहा है, बट अदरवाइज जो केस है वो नॉर्मल ही चल रहे हैं 95%। सो आगे नवंबर इनटेक, अक्टूबर इनटेक की फाइल्स अब लगनी शुरू हो चुकी हैं, और जनवरी इनटेक के ऑफर लेटर्स और कास भी आने शुरू हो चुके हैं। सो मतलब अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं, और 1 अक्टूबर से कास्ट भी जनवरी के आने शुरू हो जाएंगे। सो जिन बच्चों ने अभी तक जनवरी या नवंबर अप्लाई नहीं किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो टाइमली अप्लाई कर लें, और उसमें से खासकर नवंबर इनटेक टाइम से अप्लाई कर लें, क्योंकि नवंबर इनटेक एक ऐसा इनटेक है जिसमें आप स्पाउस के साथ जा सकते हो, विदाउट आईलेट्स जा सकते हो। जनवरी इनटेक में भी आपको विदाउट आईलेट्स ये वो सब ऑप्शंस मिलेंगी, बट स्पाउस का ऑप्शन बंद हो जाएगा जनवरी मंथ से। सो ये जो आगे आने वाले 10-12 दिन है, डू नॉट डिले योर एप्लीकेशंस, इमीडिएटली ब्रॉडवे टीम को मिलें। अगर आप भी विदाउट आईलेट्स स्पाउस के साथ यूके जाना चाहते हैं, सेप्टेम्बर इनटेक मिस कर चुके हैं, तो नवम्बर मिस ना करें। आगे भी इस चैनल के जरिए लेटेस्ट अपडेट शेयर करता रहूंगा। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।